नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कट कर लिया है। जितनी लंबाई आपको रखना है, एक इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। शोल्डर लिया है हमने, देखिए 5.5 इंच, 4 मोल 6 इंच, गले की चौड़ाई 2.5 इंच। अब लंबाई का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। अब देखिए इस तरह से लंबाई चौड़ाई का निशान लगाने के बाद अब हमें गले का निशान इस तरह से कर देना है। थोड़ा सा देखिए नीचे और बढ़ेगा, उसके बाद इसे निकाल लेना है बुकरम के ऊपर। बुकरम को फैला कर रखेंगे और पूरा निशान देखिए गले का इसके ऊपर निकाल लेना है। अब इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी निकाल लेंगे, बिल्कुल वहीं से। निकालने के बाद इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने कट कर लिया, हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेना है। तो इस तरह देखिए सिलाई डाल देंगे, नीचे की तरफ से कंप्लीट करते हुए सिलाई हमने डाला है। अब साइड से सिलाइयाँ लगाएंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा, अस्तर वाले लाइनिंग वाले कपड़े से ज़्यादा रहेगा, उसे कट करके बराबर करना है। बराबर से फोल्ड करते हुए अब सेंटर लाइनिंग कर लेनी है। अब गले को लेना है और लाइनिंग वाले कपड़े पर रखते हुए इस तरह से सिलाई डालना है। पहले एक देखिए हमने सीधी सिलाई डाल दी है, अब साइड बाहर वाली तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई डालेंगे। तो इस तरह हमें गले की पट्टी को तैयार कर लेना है। इसे तैयार करने के बाद अब दोनों निशानों को मिलाते हुए रखेंगे। पहले एक सीधी सिलाई डाल देंगे, उसके बाद पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान है वहाँ से सिलाइयाँ डाल देनी है। अब इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से कट करना है, उसके बाद कट्स लगाने हैं पूरे पर। ये कट लगा दिया है। अब पट्टी को पलटना है अंदर की तरफ और ऊपर से एक सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगा ली है, इस तरह से हमने गला तैयार कर लिया है। अब हमें इस पर डिजाइन तैयार करना है। उसके लिए यहाँ पर लिया है 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा और इस तरह एक तरफ से रोल करते हुए डिजाइन बनाना है। तो ये देखिए बना लिया है। अब दोनों को पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। इसी तरह की डिजाइनें ले लेनी है बनाकर। उसके बाद अब देखिए इस तरह सीधा कपड़ा लेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 1 इंच 2 पॉइंट ली है। अब इसको फोल्ड करते हुए सिलाई डालेंगे। 7.5 इंच इसकी लंबाई ली है। तो सिलाई हमने डाल दिया। सिलाई डालने के बाद अब यहाँ से धागा डालना है। इसमें छोटी छोटी चुनट बनाते हुए धागा डालना है। अब यहाँ पर निकालेंगे, अब दोनों तरफ पकड़कर सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह की डिज़ाइनें अब ले लेनी है। अब दोनों डिज़ाइनें हमें पूरी तैयार कर लेनी है जितनी लगेंगी, उसके बाद इसे गले पर लगाना है। अब यहाँ तक जहाँ तक ये डिज़ाइंस रहेगी हमने ये निशान कर दिया है। आप देखिए इस तरह से रखते हुए सिलाई डालेंगे, थोड़ी दूरी रखेंगे, फिर दूसरी डिजाइंस रखेंगे, उसके बाद तीसरी, इसी तरह से लगाते जाएंगे, बिल्कुल सटाते हुए नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा बीच में गैप देते हुए लगाना है। इसी तरह जहाँ तक ये निशान हमने किया हुआ है वहाँ तक लगाना है। ये देखिए यहाँ तक लगा लिया। इसे लगाने के बाद अब पट्टी लेना है और इस तरह से पट्टी को लगा देना है। यहाँ तक देखिए इस तरह से पट्टी को लगा दिया। पट्टी के दोनों तरफ से सिलाई डाल देंगे। तो हमने सिलाई पट्टी पर डाल दिया है। इस वाली साइड से लेस लगाएंगे। अब यहाँ तक गले तक लेस को लगा देंगे। फिर हमने लेस लगा दिया है। लेस लगाने के बाद जब आप जो ये डिजाइने बनाकर जो ली है उसको यहाँ पर रखना है। देखिए चार डिजाइंस के बीच में इस तरह रखना है, दो डिजाइनों के बीच में, दोनों साइड से पूरी चार डिजाइनों के बीच में। देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और लगाने के बाद एक मोती लगा देंगे, उसके बाद इन डिजाइनों पर भी मोती लगा देना है। अब इन चारों पर भी मोतियां लगा देंगे। ये बीच वाला फ्लावर लगाने के बाद इस तरह से इन पर भी मोती लगा देना है। अब दूसरा लेना है, देखिए यहाँ पर रखना है। अब इसको इसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाला बनाया उसी तरह इसको भी बनाना है। फिर इसी तरह से पूरी डिजाइनें पूरे पर लगाते हुए इसको बना लेना है। तो ये देखिए हमने पूरी डिजाइनें ये बना दी है। इसे बनाने के बाद एक तरफ का प्लेट हमने इस वाली साइड का डाल दिया था, इस वाली साइड का भी डाल देंगे। अब यहाँ पर एक लटकन लगाएंगे हम, ये बिल्कुल सेंटर मिलाते हुए गले का बीचों बीच इस तरह से लगा देना है। दो मोती इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब दो मोतियाँ डालने के बाद इसमें लगा देना है। बड़ी डाल दी थी इसलिए छोटी थोड़ी ली है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से लगा देंगे। इसे लगाने के बाद डिजाइन हमारा तैयार हो जाएगा। तो डिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।